मेलीलोटस अल्बा जो है इसका कॉमन नेम क्या है, स्वीट क्लोवर, लेग्यूमिनेसी फैमिली की मेडिसिन है। तो सबसे पहले इसके मेंटल जनरल्स को देख लेते हैं। तो इसमें रिलीजियस मेलेंकोली विथ एन इंटेंसली रेड फेस, इनसैनिटी इन अर्ली स्टेज टू रिलीव ब्रेन फ्रॉम प्रेशर एंड इरिटेशन। इसमें क्या होगा कि रिलीजियस मेलेंकोनी देखने को मिलेगी और रेड फेस रहेगा, इसके साथ में इनसैनिटी और अर्ली स्टेज में टू रिलीव ब्रेन फ्रॉम प्रेशर एंड इरिटेशन। ये जो ब्रेन में जो इरिटेशन है, प्रेशर है, इससे रिलीफ पाने के लिए इसमें मेलेंकोनी, रिलीजियस मेलेंकोनी आ रही है, रेड फेस, इनसैनिटी, ये सब देखने को मिलेगा। इसकी ब्रेन में इरिटेशन है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की मेडिसिन है। और फिजिकल्स में इसमें कंजेशन है, तो वो रिलीव कैसे होगा, हेमरेज से। ब्रेन में देखा था हमने, ब्रेन में प्रेशर इरिटेशन था जो कि रिलीव हो रहा था, ये किससे, रिलीजियस मेलेंकोनी, इंटेंसली रेड फेस था, है ना। और इनसैनिटी थी। तो इससे वो उसको रिलीफ मिल रहा था, ब्रेन प्रेशर इरिटेशंस। इसमें इंगॉर्जमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इन एनी पार्ट और ऑर्गन, ब्लड वेसल्स में इंगॉर्जमेंट रहेगा, कंजेशन तो ही सही, तो इंगॉर्जमेंट भी आ ही रहा है ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स में। हेड में इसको इसमें वायलेंट कंजेशन देखने को मिलेगा, नर्वस हेडेक रहेगा, एपिस्टेक्सिस अफोर्ड रिलीफ। देखो हेड में भी कंजेशन है, वायलेंट हेडेक है और एपिस्टेक्सिस होगी तो उससे वो कंजेशन रिलीव होगा। जैसे कंजेशन जो है उससे वो कैसे रिलीव हो रहा है, हमने फिजिकल्स में भी हेमरेज के द्वारा कंजेशन रिलीव हो रहा है। नोज में नोज ब्लेड है ना, प्रिसीड बाय इंटेंस रेडनेस, फ्लशिंग ऑफ फेस, थ्रोबिंग ऑफ कैरोटिड्स। थ्रोबिंग ऑफ कैरोटिड्स में मेलीलोटस अल्बा को याद रखना है, बेलाडोना तो हमें याद रहती है, ग्लोनाइन भी है इसके अलावा, लेकिन ये जो मेलीलोटस अल्बा है इसमें भी थ्रोबिंग ऑफ कैरोटिड, फ्लशिंग ऑफ फेस, इंटेंस रेडनेस, नोज ब्लीड और जनरल रिलीफ होगा इन सब से, ये जो ब्लीडिंग हो रही है इससे। फेस वेरी रेड फेस रहेगा, प्रिसीड हेमरेज फ्रॉम एवरी ऑर्गन, हर ऑर्गन से हेमरेज होगा, मेलीलोटस अल्बा हेमरेजिक मेडिसिन है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन होगा, डिफ़िकल्ट, पेनफुल, कॉन्स्ट्रिक्शन इन एनस, थ्रोबिंग, फुलनेस, नो डिज़ायर अंटिल देयर इज़ लार्ज अकुमुलेशन। जब तक बहुत ज़्यादा अकुमुलेशन ना हो जाए तब तक कोई डिज़ायर नहीं होगी स्टूल पास करने की। एल्यूमिना में भी इस तरीके का रहता है सिम्टम, है ना, अकुमुलेशन हो जाता है तब तक कि वो स्टूल के लिए नहीं जाएगा, लार्ज अकुमुलेशन। तो डिफ़िकल्ट, पेनफुल, कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। कन्वर्जेंस ऑफ नर्वस चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन, ड्यूरिंग डेंटिशन चिल्ड्रंस को क्या आएंगे, कन्वर्जेंस। इन्फेंट्स में स्पाजम, इक्लेम्शिया, एपिलेप्सी। तो इक्लेम्शिया जो हमने ऑप्स में पढ़ा था, है ना, कहा क्या होता है इक्लेम्शिया, मतलब कि उसमें प्रोटीन यूरिया रहेगा 140-90 बीपी रहेगा और साथ में कन्वर्जेंस है, सीजर्स आएंगे, एपिलेप्सी आएगी। इन्फेंट्स में स्पाजम हो रहा है, फीमेल्स में इक्लेम्शिया, ठीक है, नर्वस चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन। एग्रावेशन अप्रोच ऑफ स्टॉर्म रेनी चेंजेबल वेदर, कंपेयर कर सकते हैं माइल नाइट्रोसम से, एंटीमोनियम क्रूडम से, एपिस्टेक्सिस में आफ्टर हेडेक बट डज नॉट रिलीव, बेलाडोना, ग्लोनाइन, सिंगुनीरिया इन कंजेस्टिव हेडेक, रेड फेस, हॉट, हेट, इटिस। मेलीलोटस अल्बा बेसिकली जो रेमेडी है ये हेमरेजिक डायथेसिस को बिलोंग कर रही है और इसमें कंजेशन मेनली है, हेड में कंजेशन है, जनरल कंजेशन है, इन ब्लड वेसल्स में इंगॉर्जमेंट है, GIT में कॉन्स्टिपेशन है इसको, है ना, सब इकट्ठा हो रहा है इस तरीके का याद रखने के लिए। और कन्वर्जेंस आएंगे इन्फेंट्स में, फीमेल्स में क्लेम्शिया और प्रेगनेंसी में, और अब स्टॉर्म आएगा, जिससे अप्रोच हो रहा है, स्टॉर्म आने वाला है, तो
दिक्कत होगी रैनी चेंजेबल वेदर से मेलोटस अल्बा को दिक्कत होती। तो ये है मेलोटस अल्बस डायग्राम, देख सकते हो। रूब्रिक्स देख लेते हैं, तो एंगर, एंजाइटी, सेंसोरियस, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, स्टडिंग रीडिंग वॉयल, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, डिल्यूशन, इमेजिनेशंस, डिल्यूशंस, इमेजिनेशन, परस्यूड ऑफ बींग, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, डेड ही इज, डलनेस, फियर, डिसकंटेंट, फियर अरेस्टेड ऑफ बींग, फियर डेंजर ऑफ इम्पेंडिंग, फियर इविल ऑफ, फियर भी बहुत सारे के है इसमें, फॉरगेटफुल रेमेडी है, होम गो डिजायर टू मे बी आएगी, इम्पेशेंस, इंडिफरेंस, इंडोलेंस, इंसेनिटी, मेंटल एग्जॉशन, एलिमेंट्स फ्रॉम मिस्टेक मेकिंग, राइटिंग लेटर्स में मिस्टेक करेगा, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, रेस, रीडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम इंसेनिटी, मेडनेस, रेडनेस ऑफ फेस, रिकग्नाइज डज नॉट सराउंडिंग्स, रेस्टलेसनेस में भी आएगी ये, सैडनेस, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, सडन मैनिफेस्टेशन माइंड में, टिमिडिटी, वीपिंग, वर्क एग्रावेशन, मेंटल वर्क एग्रावेशन, हेड इंटरनल, वन साइड हेडेड एक, राइट लेफ्ट फॉर नोन पीरियडिकली, पेन, हेडेक, टेम्पल एक्सटेंडिंग टू ऑक्सीपिट टू टेक टॉकिंग, ये वन एंड ओनली रूब्रिक्स देख रहे हैं। पेन, हेडेक, पल्सेटिंग, थ्रोबिंग, फोरहेड, इमिनेंस, राइट हेड, हेडेक इसको टेम्पल में हो रहा है और एक्सटेंड कर रहा है ऑक्सीपिट तक टॉकिंग में के दौरान। ईयर में एयर वाइंड, सेंसेशन ऑफ आउट ऑफ स्वेलिंग, एग्रेवेशन, बैक पेन, ब्रोकन अस इफ सिटिंग, इरेक्ट, एग्रावेशन, इरेक्ट में एग्रावेशन हो रहा है, इरेक्ट पोजीशन में। कटिंग पेन होता है नीज में, ग्नोइंग पेन इन नीज, पल्सेटिंग, थ्रोबिंग पेन इन नीज, सोर ब्रिस,